करते हैं फुट मसाजर का, तो यह है अगारो कंपनी का ग्रैंड मॉडल है फुट मसाजर। इसका मॉडल नंबर है 33270। तो इतना बड़ा बॉक्स आएगा, इसमें फीचर्स क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस है, बाई डायरेक्शनल रोलिंग मसाज भी है, मसाज मोड्स है 3, P1, P2, P3। और इसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो है हीटिंग का, तो ग्रैंड मॉडल में हीटिंग फंक्शन है। इसमें 1 ईयर की वारंटी आती है इसके साथ। तो बॉक्स पे प्राइस है 11,999, बट ये हमें पड़ा है अराउंड 5,000 रुपीज़ में। तो पावर कंजम्पशन है इसका 40 वैट्स, और वोल्टेज रिक्वायरमेंट अपने घर का 220 to 240 वोल्ट पे ये चल जाएगा। ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो इंपोर्टेड बाय जो कंपनी है यूनिवर्सल कलकत्ता की, उन्हें इंपोर्ट करके अमेज़ॉन पे बेचते हैं। इसको ओपन करते हैं, तो बॉक्स तो पहले से थोड़ा ओपन किया था जस्ट चेक करने के लिए, जब डिलीवरी दिया था तो जस्ट चेक करने के लिए ओपन किया था। इसके अंदर पैकिंग ऐसा है, थर्मोकॉल के साथ आता है इसका पैकिंग, तो दोनों तरफ थर्मोकॉल है। इसके अंदर इसका मैनुअल है, छोटा रिमोट है और पावर केबल है। ये पावर केबल, अच्छा मैनुअल इंस्ट्रक्शंस, और ये छोटू सा रिमोट। इसमें मोड्स है, हीटिंग का एक बटन है, मैनुअल का एक बटन है, स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और एक वारंटी कार्ड भी है, तो वारंटी के लिए सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। का वेट तो काफ़ी है, अराउंड 3 to 4 kg होगा। इसके साथ ये पीछे वाला स्टैंड भी आता है, थोड़ा हाइट देके थोड़ा एंगल में रख सकते हैं इसको। कंट्रोल पे तो स्पीड है, प्लस माइनस अप डाउन मोड्स चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन रोलिंग का चेंज कर सकते हैं, ऑटो मैनुअल कर सकते हैं, और जो इसमें एडिशनल फंक्शन आता है वो हीटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे।
इस पे जो कवर्स है आई थिंक ये वॉशेबल आते हैं। अच्छा इनका क्वालिटी तो कुछ खास नहीं लग रहा है, एक साइड तो ओपन नहीं कर पाया मैं। ठीक ही है, चेन क्वालिटी इतना कुछ खास नहीं है, थोड़े आराम से निकलना पड़ेगा। इसको वापस लगा देता हूँ। तो मशीन के राइट साइड में पावर केबल लगाने के लिए सॉकेट है, तो इसको पावर केबल लगाते हैं। यहाँ पे पावर केबल लगा दिया है मैंने। तो रिमोट में पीछे एक कवर है, जिस कवर रिमूव करेंगे तो इसका बैटरी एक्टिवेट होके ये चालू हो गया है। तो अभी तो ये चालू हो गया है, ये वाला कवर निकाला मैंने, कहाँ गया। ठीक है, तो अभी इसको कनेक्ट करता वॉल पे और चालू करते हैं इसको। मैंने अभी केबल प्लग कर दिया, अभी स्टार्ट करता हूँ इसको। पावर ऑन किया तो पहले ऑटोमेटिक ये P1 मोड पे है, अब देख रहे हैं इसमें मूवमेंट हो रहे हैं। और ऊपर टाइम का इंडिकेटर है तो फिलहाल 14 मिनट्स दिखा रहा है, तो 15 मिनट्स का था तो कम कम होते जाएगा। अब जैसे अब सेट कर सकते हैं इसको, तो मोड चेंज किया, मोड चेंज हो गया टू P2, ये मोड चेंज किया ओपी हो गया P3। स्पीड के लिए पहले मैनुअल में डालना पड़ेगा, फिर ही आप स्पीड प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, अगर आप मोड सिलेक्ट करते हो तो ऑटो में P1 P2 P3 मोड से आप दे सकते हो। हीटिंग फंक्शन है तो हीटिंग बटन जैसे ही प्रेस किया अंदर यहाँ पे दो लैम्प्स ऑन हो जाते हैं रेड कलर के, तो दैट मीन्स ये हीटिंग इसका चालू है। यहाँ पे भी हीटिंग का सिंबल आता है, यहाँ LEDs के ऊपर ये दो साइड से हीटिंग का सिंबल आया है। तभी टाइम देखिए और एक मिनट कम हो गया, तो यहाँ पे 30 मिनट्स आया। पावर ऑफ किया, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, नाउ आई स्टार्टेड अगेन, नाउ इट्स शोइंग 14 मिनट्स, सो मैक्सिमम 15 मिनट्स का इसका टाइम है। मैंने सॉक्स पहन लिए, इसके अंदर पैर रखता हूँ, तो जस्ट स्लाइड करेंगे तो इजीली चला जाएगा, ये साइड से स्लाइड करेंगे तो इजीली चला जाएगा। पावर ऑन करते हैं, तो नीचे से कैन फील द रोलर, इसमें जो रोलर है रोलर का तो समझ जाएगा। साइड से ये दोनों पार्ट प्रेस करते हैं साइड से,
तो बस इसमें इतने ही बेसिक्स है, तीन मोड्स है, स्पीड के लिए है, हीटिंग के लिए है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। तो काफ़ी बेसिक सेटअप है, इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।